सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं टेक ग्रिप। आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइस इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी कभी आप व्हाट्सएप पर किसी के स्टेटस को प्ले करने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ इस तरह का ये एरर दिखाई दे देता है, देयर वॉज एन एरर प्लेइंग दी वीडियो। अगर आप भी फेस करिए इस प्रकार के एरर को, इस प्रकार की प्रॉब्लम को, तो आपको हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर गाइज मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कम्प्लीटली आपको बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को और आपको बता देते हैं आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि गाइज जल्दी से जल्दी आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सके। उसके लिए गाइज आपको बिल्कुल ही बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है और राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको तीन डॉट्स देखने को मिलेगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको चैट्स वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको यहाँ नीचे की तरफ चैट बैकअप वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक अप टू गूगल ड्राइव वाला ये ऑप्शन है, इस पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने मंथली कर रखा है तो आपको इसको एक बार डेली कर देना है या फिर गाइज आपको वीकली कर देना है। यहाँ से आपको इनमें से किसी एक को चेंज करके देख लेना है। उसके बाद गाइज जो आपका व्हाट्सएप का बैकअप है वो गूगल ड्राइव में हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ऐप्स पर क्लिक कर देना है, मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है। यहाँ सर्च बार में आपको सर्च कर देना है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप आपके सामने आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है, क्लियर कैच पर क्लिक करना है, ओके प्रेस कर देना है। आपको क्लियर कैच कर देनी है, उसके बाद आप परमिशन पर आना है और जितनी भी परमिशन आपकी है इन सभी को आपको यहाँ से अलाउ करना है। यहाँ से अलाउ कर देने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद जो आपका प्ले स्टोर है आपको उसको ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च करना है तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको यहाँ अपडेट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो गाइज आपको यहाँ से अपने व्हाट्सएप को यहाँ से अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट नहीं देखने को मिलती है तो आपको बैक आना है और बैकग्राउंड से जो आपका व्हाट्सएप ओपन है उसे क्लोज कर देना है और अगेन आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करके देख लेना है। तो 101% जो आपकी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या हमारी वीडियो की हेल्प से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करिएगा। तो गाइज आज वाली इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।